आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर हिंदी है, हिंदी की जो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली। दोस्तों हिंदी जो कि हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी इसके जो रीट L2 कौन सा रीट L2 के अंदर जो हिंदी की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो कि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली सूचना आप तक मिलती रहे और इसी तरह आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए हम क्या रहेगी हिंदी जो कि TSP क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र TSP की जो कि फाइनल कट ऑफ, जिसके इसमें के कई लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैंने गहन एनालिसिस के आधार पर इसमें कई बच्चों से, कई विद्यार्थियों से बात करके इसमें आज कट ऑफ बना रहा हूँ कि जो कि इसमें फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितना उछाल देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल कट ऑफ के अंदर जो कि दो गुणा से लेकर एक गुणा के अंदर कितना अंतर आएगा। तो ये हम देखेंगे दोस्तों, एक गुणा के अंदर कितना अंतर आ जाएगा, ये कितने क्वेश्चन आगे बढ़ सकती है कट ऑफ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और आपके कितने नंबर बन रहे आए हैं इसमें, हिंदी के अंदर कितने नंबर आए हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। TSP क्षेत्र की जो कि हिंदी विषय की ये कट ऑफ थी दो गुणा की, रेट L2 जो कि हिंदी विषय उसकी जो कि TSP क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र TSP क्षेत्र की जो कि कट ऑफ है आपको देखने के लिए दो गुणा की कट ऑफ, कितने गुणा की दो गुणा की ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, दो गुणा की कट ऑफ इसमें दो गुणा की कट ऑफ गई दोस्तों। जो जनरल कैंडिडेट है कौन से कैटेगरी जनरल कैंडिडेट की गई है 200 नंबर, कितने नंबर दोस्तों 200 नंबर यहाँ पर गई है। तो दोस्तों इसमें कितने एक नंबर बढ़ने की संभावना, दोस्तों जनरल के अंदर बात करूँ TSP के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकर 7 से लेकर 9 नंबर का आपको उछाल देखने को मिलेगा जनरल में। कितना है दोस्तों 7 से लेकर 9 नंबर, अगर आपके 7 से लेकर 9 नंबर है पर 7 नंबर प्लस है तो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत अच्छी रेस के अंदर आप मान सकते हैं, और अपने निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में आप, तो ईश्वर से निवेदन है कि 7 से लेकर इसमें आप 9 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों, 7 से 9 आप आखिरी नंबर मान सकते हैं जनरल कैंडिडेट के। फीमेल की बात करिए तो कि दोस्तों जनरल की आपके 200 तो 208 कितने 208 से लेकर 200 आप 10 मान सकते हैं, लेकिन 7 से लेकर 9 नंबर का उछाल लगेगा 208 से लेकर, तो फीमेल के अंदर और भी कम जाएगी दोस्तों। फीमेल के अंदर आप 207 से लेकर 209 एक नंबर आप कम मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंतर जनरल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये तो कि इसमें डिवोर्स वीडियो का कितनी जाने की दोस्तों, वीडियो के अंदर कई जो कमेंट करते हैं कि दोस्तों वीडियो के अंदर कितनी जाएगी, कितने नंबर उछाल मारेगी, तो दोस्तों वीडियो के नंबर 109 में आप 8 नंबर जोड़ सकते हैं, कैसे वीडियो के अंदर वीडियो के अंदर कितने नंबर 8 नंबर जोड़ सकते आप, तो इसमें 109 प्लस कितनी जाएगी 109 प्लस 8 से 10 नंबर, तो 109 119। तो दोस्तों अगर आपके 117 कितने 117 से लेकर 120 तक नंबर है दोस्तों, 117 से लेकर 120 है तो आप आराम से सेफ कैटेगरी में, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो कि वीडियो की दोस्तों, डिवोर्स की कितनी बात की दोस्तों, डिवोर्स की बराबर गई है जनरल के बराबर, इसमें आपको 200 नंबर यहाँ पर गई है, तो डिवोर्स की हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों, डिवोर्स की भी हो जाएगी इसमें 200 आप 8 नंबर जोड़ते हैं तो 208 के आसपास आपका इसमें 206 से लेकर 208 तक आप देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका डिवोर्स के 200 ज़्यादा थोड़ा सा कम, थोड़ा जो जनरल है उससे कम जान जाएगी डिवोर्स की, 206 से लेकर 208 तक आपको इतनी कुछाल आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा जनरल कैंडिडेट के अंदर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये तो कि दोस्तों जनरल की मेरिट, अब बात करें जो SC की इधर कर लेते हैं, जो SC कितने SC कैटेगरी की इधर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि जनरल कैंडिडेट है, जनरल की 191 कितनी गई दोस्तों, 191 जनरल की मेरिट रही है 191, तो दोस्तों कितनी सकती है 100। अब SC के अंदर तो दोस्तों कितने नंबर का उछाल आता है दोस्तों, ज़्यादा तो SC के अंदर आप 9 से लेकर 11 नंबर का आसपास आप मान के चलिए दोस्तों, इतना तो नंबर आपको कट ऑफ आगे बढ़ने की पूरी संभावना कि आप इतने को कट ऑफ बढ़ेगी जनरल के अंदर। SC के अंदर कितने आप 9 से लेकर 11 नंबर अगर आपकी प्लस है तो निश्चित रूप से अपने आप को सेफ पहुँच सकते हैं दोस्तों। यहाँ 191 तो जनरल में अगर आपके 200 नंबर है, कितने जनरल में अगर आपके 200 नंबर बनते हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, इस पर भी विश्वास रखें। फीमेल की बात करें, फीमेल कैटेगरी की इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है इसमें 191 ही फीमेल है, तो लगभग इसके बराबरी जाएगी, कितने इसके बराबरी जाएगी फीमेल के बराबर,
अब बात करें एसटी की, बात करें दोस्तों एसटी की, इधर बात कर लेते हैं दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी कितनी गई है दोस्तों, जनरल 179 एसटी की यहाँ रही है, कितने रही एसटी की, कितने एसटी की 179 यहाँ पर रही है एसटी की, तो एसटी में कितने एक नंबर बढ़ सकती है, तो दोस्तों एसटी में थोड़ा सा और आप ज़्यादा मान सकते हैं 10 से लेकर 12 नंबर, क्योंकि जैसे जैसे हम जनरल की कट ऑफ से दूर होते जाएंगे तैसे जैसे हमारी जो कि जो डेंसिटी कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी और इसमें ज़्यादा अंतरों का अंतर आने लगेगा, तो दोस्तों 10 से लेकर 12 इसमें आपका अंक का अंतर है देखने को मिले, नंबर नहीं है दो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 12 अंक है, क्या है ये अंकों का देखने के, ये अंक मैं बता रहा हूँ, मैं इतना अंकों का आपको देखने को मिलेगा 10 से लेकर 12 तक, 179 है, तो आप आराम से अगर इसमें है आप किस में एसटी के अंदर आप आते हैं, किस में एसटी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, तो एसटी कैटेगरी के अंदर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें अगर आपके 189 से लेकर 190 तक है, कितने 189 से लेकर 190 के आसपास, अगर आप जनरल कैंडिडेट के मेल, फीमेल के अंदर थोड़ा सा आप कम देखने को मिलेगा दोस्तों, फीमेल के अंदर इसमें 188 से लेकर 190 तक मान सकते हैं, 188 से एक आध एक नंबर का अंतर तो इसमें होता ही है दोस्तों। अब बात करें वीडियो की बात करें दोस्तों, वीडियो की कितने की जाएगी, तो वीडियो की कितने की जाने की इसमें संभावना रहती है दोस्तों, वीडियो की जो 43 नंबर है, तो वीडियो की आप 43 में इसमें आप 8 से लेकर 10 नंबर ऐड कर सकते हैं, अगर आपके 8 नंबर है तो आराम से आप 8 से लेकर 10 नंबर थे, 43 प्लस आप 10 नंबर 52, 51 से लेकर 53, कितने 51 से लेकर 53 नंबर तक है, आराम से वीडियो के अंदर आप सेफ कैटेगरी के अंदर है दोस्तों। डिवोर्स की बात करें तो दोस्तों ये 163 है, 163 के अंदर आप 9 नंबर मान सकते हैं, 163 से लेकर दोस्तों 172 से लेकर 174 तक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, किसमें डिवोर्स कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस के आधार पर थी, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतने नंबर अगर आपके हैं, इतने नंबर मैंने बताए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अगर 5+ है तो निश्चित रूप से 5+ है तो बहुत अच्छी चांस है, 5+ है तो निश्चित रूप से आपको उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए और पूरी उम्मीद भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि अगर 5+ नंबर भी है तो दोस्तों किस्मत कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, ये कट ऑफ पे कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं है दोस्तों, हम एनालिसिस के इसमें अपने अनुमान के आधार पर बताते हैं कि ये इतनी जाएगी, इतने जाने की संभावना रहती है, फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों, डिप्रेशन में नहीं जाना किसी प्रकार, अगर आपके 5+ है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सिचुएशन में है, किसमें बहुत अच्छी सिचुएशन में है, और अपने आप से पूरी पूरी उम्मीद रखें कि अच्छी आपके चांस बनते हैं, तो मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि बहुत कम कट ऑफ जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो था, और अभी तक बस रिक्वेस्ट है एक छोटी सी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तब सब्सक्राइब कर दे, क्या सब्सक्राइब कर दे, वह बेल आइकन को दबा दे ताकि जो इसकी आने वाली नेक्स्ट सूचना आप तक मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी करें, वो आपके कितने नंबर बन रहे तो ये सब कमेंट बॉक्स में टाइप करें दोस्तों, थैंक यू, और आने वाली जो भी मैं और एनालिसिस कर रहा हूँ जो कि कट ऑफ के बारे में TSP और नॉन TSP, विशेषकर जो TSP और नॉन TSP अलग अलग बनाऊंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि कितने की जाएगी, और तो अपने अपने जो कि नंबर है वो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।